ব্রিগেডে ভরা মাঠ থেকে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে কীর্তি আজাদকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তারপর থেকে প্রচারে নেমে পড়েছেন এই প্রাক্তন ক্রিকেটার। ভোট যুদ্ধে জিততে ঘাঁটি গেড়েছেন দুর্গাপুরে। বিহার থেকে নিয়ে এসেছেন স্ত্রীকেও। আগে বলেছিলেন বিহারি হলেও বাঙালি মাছ ভাত তার বড় পছন্দের, তাই বৃহস্পতিবার সকালে নিজের সাইকেল চালিয়ে পৌঁছে গেলেন বাজারে। রদ দেখা কলা বাছার মতো একসঙ্গে বাজারও করলেন, বাজারে দাঁড়িয়ে সারলেন জনসংযোগও। বৃহস্পতিবার সকালে রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং গ্রাম উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, পাণ্ডবেশ্বরী বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল 9টার দিকে সাইকেল চালিয়ে কীর্তি আজাদ চলে যান চণ্ডীদাস বাজারে ফলের দোকানে। কেনেন আপেল, লেবু, বেদানা, কলা। সেখান থেকে যান সবজি বাজারে। সাধারণ মানুষের মন ছুঁতে সবজি বাজারে জনসংযোগ সারলেন তৃণমূলের তারকা প্রার্থী কীর্তি আজাদ। বাজারে শনি মন্দিরে প্রণাম করে সবজি বাজারে ঢুকে কেনেন উচ্ছে আলু, পটল, টমেটো, শাক। সবজি বাজার করে ঢুকে দিলেন মাছ বাজারে, সেখানে কেনেন বাঙালির প্রিয় ইলিশ। মাছ বাজারেও সারেন জনসংযোগ, বিরোধীদের অপপ্রচার নিয়ে বোঝান মানুষজনকে। বিরোধীরা এখনো বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেনি, সেই সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক ময়দানে নেমেই একাই প্রচার এবং জনসংযোগ করছেন কীর্তি আজাদ। জেলা রাজনৈতিক মহলের দাবি, আগে থেকে প্রার্থী ঘোষণা হওয়ায় এক ধাপ এগিয়ে রয়েছেন তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি আজাদ। ঘরের বাজার এবং জনসংযোগ একসঙ্গে করে জোড়া ফুলে ভোট দেওয়ার আবেদন রাখলেন তিনি। আজাদ বলেন, লম্বা সময়ের জন্য বিহারের দারভাঙ্গা থেকে পরিবারকে সকলকে নিয়ে দুর্গাপুরে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বর্ধমান দুর্গাপুরে তৃণমূল প্রার্থীও হয়েছি। ছোট থেকেই ডাঙ্গুলি খেলে সাইকেল চালানো অভ্যেস রয়েছে, তাই শরীরচর্চা করতে সাইকেল চালিয়ে বাজারে এলাম। বিরোধীদের কটাক্ষ করে তিনি আরো বলেন, 1983 সালে যেমন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে প্রথম বিশ্বকাপ ছিনিয়ে নিয়েছিলাম, তেমনি বিরোধীদের উইকেট ফেলে লোকসভায় ছক্কা মারব। इस बार बंगाल से बीजेपी जीरो पर आउट हो जाएगा और हम उसको सिक्सर मार के बाहर कर देंगे। तो आप देख रहे हैं प्रचार में, लेकिन दूसरा पार्टी बीजेपी सीपीएम कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ रहा। अभी अभी तक कैंडिडेट घोषणा नहीं कर पाया, आप खेलने वाला नहीं है। देखिए, जब सामने वाला कैप्टन ममता दीदी हो तो बड़ा बड़ा लोग का हालत खराब हो जाता है, अपना बॉडी से नहीं निकलता है लोग। तो जब दीदी जैसी शेरनी होगी, महिषासुर मर्दिनी होगी, जिनको बोलते रहे 200 पार लोग बोलते रहे, तो यहाँ पर तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा महिषासुर सब आता रहा और सबको दीदी हराती रही। बोला 200 पार करेंगे, 100 के अंदर आउट हो गया और दीदी 200 से कितना आगे, पिछला बार से भी 5 सीट ज़्यादा ले आई। तो उनके सामने कोई बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व लोगों के बीच में दीदी का इतना बड़ा है और दीदी बहुत सिंपल है, साधारण है। इसलिए हर एक व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, समाज का अंतिम व्यक्ति भी दीदी से अपने आप को संबंधित समझता है, और यही कारण है कि इस बार 42 में 42 हम लोग बंगाल में तृणमूल पार्टी जीते। वर्धमान दुर्गापुर में अभी तक कोई प्रार्थी नहीं है आपका अगेंस्ट में, क्या बोलेंगे? हमारा बोलिंग के सामने डर गया है, अभी तक प्रार्थी नहीं कर पाया। यूसुफ पठान आपका जूनियर है, वो आज से ही वो प्रचार में जुटे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? नहीं, यूसुफ बहुत अच्छा लड़का है। देखिए, 1983 में पहली बार विश्व कप हम लोग जीते, और अगर दूसरा किसी ने उसका अनुकरण किया तो 2000 की धोनी की टीम में यूसुफ पठान था। यूसुफ पठान एक गरीब परिवार से आता है और वह जानता है कि लोगों का दुख दर्द क्या है, और हमको पूरा विश्वास है कि वो आगे आने वाले समय में दीदी जो उसमें विश्वास रखी हैं, जो आशीर्वाद दी हैं, वह लोगों की सेवा करेगा। आप 3 बार संसद रह चुके हैं, उनके लिए कोई टिप्स यही है कि सामने साफ सुथरा काम करो, लोगों के बीच में जाओ, लोगों के बीच से भागना नहीं चाहिए, उनके सुख दुख में अवश्य रहो। कोई काम हो पाए नहीं हो पाए, जरूरी नहीं कि सब काम होगा, लेकिन सुख दुख में, विशेष करके दुख में साथ रहना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि केवल कुर्सी पर बैठने के लिए और पार्लियामेंट में जाने के लिए नहीं है, लेकिन लोगों के साथ सहभागी हो उनके सुख दुख में, यह भी बहुत आवश्यक है। सर, बाजार में आए, कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। देखिए, हमारी पत्नी को पार्किंसंस का तकलीफ है, वो आई है हमारे साथ में। वो पहले, आज से 5 साल पहले तक वही सब कुछ करती थी, लेकिन अभी हम लोग अब आ गए हैं, घर में पूजा भी, बाड़ी में पूजा भी हो गया और गृह प्रवेश भी हो गया। तो सुबह सुबह, क्योंकि लंबा अरसा पर रहना है, तो हमको जो जो वो भाजी लेने को बोली, हम वो सब भाजी ले लिया है और ले करके जाएंगे। और बस यही है कि आशीर्वाद माँ का उनके ऊपर, हमारे ऊपर बना रहे। सर, मैदान में अकेले हैं आप? मैदान में अकेले हैं? विरोधी लोग तो बोल रहा था कि बाहर से आया है तृणमूल का कैंडिडेट, अभी घर वाले कैंडिडेट नहीं दे पाया विरोधी लोग, क्या बोलेंगे? आपको मालूम है कि शुरू में त्रेता काल मिथिला था, तब कुछ नहीं था, अयोध्या था, मिथिला था, किष्किंधा था, दंडकारण था, रामेश्वरम था, लंका था, और कोई राज्य नहीं था। आज से 2,500-2,500 साल पहले बंगाल प्रेसिडेंसी बना,
एक अपने आप में जगह बनी और अंग्रेज ने आकर, कल क्या तारीख है बताइए तो, कल कौन सा तारीख है, कल 22 मार्च 1912, हम इतिहास के स्टूडेंट हैं सेंट स्टीफन्स कॉलेज के, 22 मार्च 1912 को अंग्रेज लोग बंगाल को तोड़ दिया और उसमें से बिहार को निकाल दिया और उड़ीसा को निकाल दिया, नहीं तो 22 मार्च 1912 से पहले हम सब एक थे। हमारा जो घर है उसका नाम है दरभंगा, कुछ पता लगता है, दरभंगा, दरभंगा बंगाल का दरवाजा। एक अभी जा रहे हैं माछ लेने के लिए, रुई माछ हिली सब लेंगे हम, तो सब हम खाते हैं माछ, अच्छा माछ हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, छोटा माछ खाते हैं, पापड़ा खाते हैं, सर तो आप फ्राई करते हैं सर, तेल में और फ्राई करके खाते हैं तो उसका कांटा के साथ में कचर कचर खा जाते हैं। सर को क्या बोलेंगे, हिलीज थोड़ा सा यहाँ खटता है, क्या बोलेंगे सर, एक महीना पहले से टिकट जब घोषणा नहीं हुई आप आए, बहुत सारा सभाएं भी किए, क्या खामियां है जो अभी तक जो यहाँ का जो संसद नहीं किया, ये बोलिए आपका नजर। ऐसे अनेकों केंद्र सरकार के कार्यक्रम हैं जिसको लेकर उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सबसे पहली बात तो है कि उनको यहाँ आना चाहिए, आकर के परिस्थिति को देखना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए और मिल करके उनका समाधान करना चाहिए। दुर्गापुर से अनिर्बाण कर्मकार, रिपोर्ट चैनल 10।